तो फाइनली गाइस आफ्टर वेटिंग फॉर 13 इयर्स, 2010 में हमें एलन वेक 1 मिला था, अब एलन वेक 2 आ रहा है 2023 में अक्टूबर में। एंड मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस गेम को लेके। जो एलन वेक 1 था वो तो एकदम कल्ट क्लासिक था, तो हमें देखना होगा कि एलन वेक 2 कितना बेहतर है या ये हमें कर देगा डिसअपॉइंट। सो गाइस स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। एलन वेक 2 में वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी जो आपको प्रीवियस एलन वेक 1 में मिली थी 2010 में। एलन वेक 2 एक टोटली डिफरेंट गेम है अगर आप एलन वेक 1 से कंपेयर करते हो, बट एलन वेक 2 प्रॉपर आपको एलन वेक की फीलिंग देता है इन अ बेटर वे। गेम पूरा एक क्राइम फिक्शन पे बेस्ड है जिसमें पजल्स हैं, एक्सप्लोरेशन है, बैक ट्रैकिंग है। सो सिर्फ एक्शन नहीं है, उसके अलावा भी बहुत चीज़ें गेम में आपको मिलेगी। गेम की स्टोरी बहुत ज़्यादा इंगेजिंग है, हर मोमेंट पे इंगेजिंग है, स्लो पेस है, स्लो स्टोरी है, बहुत स्लोली स्लोली यू नो प्रोग्रेस करती है, बट बहुत ज़्यादा इंगेजिंग है जिसमें आपको पजल्स, एक्सप्लोरेशन, एक्शन ये सब देखने के लिए मिलेगा। ये एक प्रॉपर स्टोरी गेम होने वाला है जिसमें आपको फुल ऑन एक्शन, जंप स्केयर्स, हॉरर स्टफ, बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है जो आपने प्रीवियसली हॉरर गेम्स में खेली होगी, बट इस गेम में आपको एक एडवांस लेवल पे मिलने वाली है। काफ़ी एक्शन है, जंप स्केयर्स हैं, हॉरर स्टफ्स हैं, आपको सर्वाइवल के लिए चीज़ें कलेक्ट करनी होगी और सर्वाइव करना होगा। स्टोरी बहुत डीप है, सो मज़ा तो आने वाला है। ये प्रॉपर एक हॉरर सर्वाइवल रियलिस्टिक गेम होने वाला है जो पूरा का पूरा स्टोरी बेस्ड होने वाला है। इसमें कैरेक्टर मूवमेंट से लेके द कॉम्बैक्ट, द स्टोरी, द वे यू इंटरेक्ट विथ थिंग्स इन द गेम, सब बहुत ज़्यादा क्लोज टू रियलिस्टिक होने वाला है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ रियलिस्टनेस का, जो कैरेक्टर्स है, जो मेन कैरेक्टर्स है जिससे आप खेलोगे, उनकी हेल्थ एक ह्यूमन हेल्थ के तरह ही है, बिकॉज दे आर ह्यूमन इन द गेम, वो एक ह्यूमन ही गेम है, तो वो 2-3 हिट लेते हैं और वो डाउन हो जाते हैं, इंजर हो जाते हैं या मर जाते हैं। तो इतना ज़्यादा रियलिस्टिक ये गेम होने वाला है। गेम में ऑलमोस्ट हर ही एलिमेंट जो एलन वेक 1 का था वो री इन्वेंट कर दिया गया है। मतलब हर एलिमेंट जो आपको एलन वेक 1 में दिखा होगा वो उन्होंने री इन्वेंट कर दिया है या रीवर्क कर दिया है, उसको बेटर करने का ट्राई किया गया है। एंड आई एम प्रिटी श्योर जितना मैं अभी तक देखा हूँ और खेला हूँ, सब कुछ बेटर ही लग रहा है, बेटर फॉर गुड ही लग रहा है, कि हर चीज़ बहुत अच्छा फील हो रही है। ऐसे नहीं हो रहा कि यार ये चीज़ उन्होंने चेंज कर दी तो ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही, नहीं, वो चीज़ बेटर ही लग रही है। मैं आपको मेन मेन पॉइंटर्स बता देता हूँ क्विकली। कॉम्बैक के बारे में पहले बात करते हैं। कॉम्बैक बहुत सॉलिड है गेम का, स्लो पेस है बट बहुत सॉलिड है, कम है बट बहुत सॉलिड है। कम का मतलब मेरा ये नहीं है कि है ही नहीं, बिल्कुल भी है, बट फुल एक्शन कॉम्बैक गेम नहीं है कि आपको हर मोमेंट पे एक्शन या कॉम्बैक मिलेगा, नहीं, बट कॉम्बैक बहुत रिक्वायर्ड कॉम्बैक है। मतलब स्टोरी के हिसाब से जहाँ पे कॉम्बैक नीडेड है वहाँ पे है, फालतू का कॉम्बैक कहीं नहीं डाल रखा, तो आपको बहुत ज़्यादा कॉम्बैक नहीं मिलेगा, बट कॉम्बैक्ट है, कॉम्बैक्ट बहुत ज़्यादा सॉलिड है, काफ़ी सिमिलर है जो कि पहले रेमेडी ने अपने गेम्स में किया है, जैसे एलन वेक 1 में किया है एंड अभी रिसेंटली आया हुआ कंट्रोल में किया है। कंट्रोल वो सॉलिड गेम था, अगर आपने वो खेला है तो आपको पता होगा उसका कॉम्बैक इतना सॉलिड था। कॉम्बैक वही कल्ट क्लासिक की तरह होता है, आपके पास एक शैडो बर्निंग फ्लैश लाइट होती है जिससे आप एनिमी को स्टन करते हो और जलाते हो, उसके बाद आप उसको गन से या अपने बाकी असॉल्ट वेपन से उसको फिनिश कर देते हो। शॉर्ट गन्स हैं, राइफल्स हैं, क्रॉसबो है और न जाने और क्या क्या है। मैंने कोई भी मेले वेपन नहीं देखा अभी तक गेम में, तो आई डोंट नो कि इफ़ गेम में कोई मेले वेपन है भी या नहीं। जितना मैंने खेला है उतना तो उसमें कोई मेले वेपन था नहीं। कॉम्बैक सब हिस्सा काफ़ी सॉलिड है, सिमिलरिटीज आपको मिल जाएगी रेसिडेंट ईविल से, कैमरा एंगल्स एंड वो स्नैपी वाला गन शॉट एंड ऑल, वो थोड़ा सिमिलर आपको लगेगा रेसिडेंट ईविल से। तो एक प्रॉपर जैसे सर्वाइवल हॉरर गेम में एक कॉम्बैक होता है वैसा ही आपको फील आएगी और मज़ा आने वाला है। और बाकी पॉइंटर्स की बात करूँ तो विजुअल्स काफ़ी सॉलिड है गेम के, मुझे विजुअल से बहुत प्यार हो गया गेम के। विजुअली गेम बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, मतलब इतना ज़्यादा कौन सा ही गेम होता है भाई अच्छा। नेक्स्ट जेन की बात कर रहे थे कि भाई अब तो रे ट्रेसिंग है, ये है, फलाना ढिकाना है, बट कोई ये मायने नहीं रहा था जो इतना बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग लगे। अभी स्पाइडरमैन आने वाला है तो उससे उम्मीदें हैं कि वो लगेगा, बट अगेन वो एक्सक्लूसिव है और एक्सक्लूसिव तो मुझे लगते ही नहीं है कि ग्राफिकली उनको कोई अवार्ड वगैरह देना भी चाहिए, क्योंकि वो अपनी मशीन के लिए तो ऑप्टिमाइज़ कर देते हैं कि पता ही नहीं चलता कि भाई क्या किया गया है। एटलीस्ट वो गेम को अवार्ड देना चाहिए विजुअल्स के लिए जो सारी मशीन्स पे इक्वली बहुत अच्छा चल रहा है, इट्स नॉट ओनली जस्ट ऑन वन मशीन। एलन वेक से वो उम्मीद करी जा सकती है क्योंकि एलन वेक तो कोई एक्सक्लूसिव नहीं है, वो सारी मशीनों पे आ रहा है, पीसी से लेके एक्सबॉक्स से लेके
प्ले स्टेशन तक विजुअली सॉलिड लग रहा है मेरे को ये गेम। ये पहला गेम लग रहा है जो मुझे नेक्स्ट जेन वाला लग रहा है, प्रॉमिसिंग लग रहा है कि भाई ये है नेक्स्ट जेन गेम, ऐसा ही कोई नेक्स्ट जेन गेम आना चाहिए। बहुत ज़्यादा सॉलिड लग रहा है। सबसे बेहतरीन चीज़ मुझे लग रही है जो नाइट में इन्होंने मैप पूरा बनाया और विजुअल्स बनाया है, लाइक जो जंप स्केयर्स भी इस गेम में थोड़े बहुत हैं दे आर वेरी गुड। पूरा फ्लैश वाले इफेक्ट्स, द लाइटिंग गेम की बहुत ज़्यादा सॉलिड है, पार्टिकल्स वाला पार्ट जितना भी है बहुत ज़्यादा सॉलिड है। सबसे बढ़िया बात जो करेक्टर डिजाइंस हैं भाई साहब अमेजिंग, द फेशियल एक्सप्रेशन, द वे यू इंटरेक्ट विद द यू नो एनपीसीज, और एनपीसीज पे इतना ध्यान किया गया है, डिटेलिंग में सारे एनपीसीज बनाए हैं, लाइक जीटीए जो भी बनाया था कुछ एनपीसीज पे बहुत सारा ध्यान दिया गया है उनकी करेक्टर डिटेलिंग, जब आप जाके बात करते हो इंटरेक्ट करते हो, क्योंकि ये इस गेम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप जाके लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो, बात कर रहे हो और क्लूज कलेक्ट कर रहे हो, एविडेंस कलेक्ट कर रहे हो, तो NPCs का अच्छा होना एक्चुअली बहुत ज़रूरी है। अगर आप उनसे कनेक्ट नहीं करोगे और आपको एक रियलिज्म फील नहीं होगा तो वो मज़ा ही नहीं आएगा। तो विजुअल वाइज ये गेम बहुत बहुत ज़्यादा सॉलिड है। देखो तो गेम को समझने के लिए गेम बहुत ज़्यादा सिंपल है, स्टोरी बेस्ड गेम है पहले तो ये जान लो, हॉरर स्टोरी बेस्ड गेम है जो कि एक क्राइम फिक्शन गेम टाइप्स है। स्टोरी जो है उसकी पूरी क्राइम फिक्शन है। जो सागा वाला पार्ट है, लड़की वाला पार्ट, वो प्योरली एक डिटेक्टिव वाला पार्ट है, क्योंकि सागा एक खुद एक FBI एजेंट है। वो एक स्मॉल टाउन में जाती है न्यूयॉर्क के, जहाँ पे उसको सरप्राइजिंगली सब लोग पहले से ही जानते हैं, और वो जब वहाँ पे वो पहली बार जा रही होती है और सब लोग उसको पहले से ही जानते हैं, वहाँ पे जितने लोगों से जाके वो बात करती है सब उसको पहले से ही जानते हैं। वहाँ पे वो इन्वेस्टिगेट करती है, क्लूज कलेक्ट करती है, लोगों से बात करती है, वो क्यों कर रही है सब मैं नहीं बताऊँगा क्योंकि वो स्पॉयलर हो जाएगा। करती है, केस सॉल्व करती है, ख़त्म, उसका पार्ट ख़त्म। उसके बाद एलन वाला पार्ट है, एलन वाला पार्ट क्राइम फिक्शन है, ऐसा कुछ नहीं है डिटेक्टिव वाला पार्ट, पर एलन वाला पार्ट जहाँ तक मुझे लगता है वो एलन वेक 1 पे जहाँ ख़त्म हुआ था वो 1 से वहीं से शुरू होगा एलन वाला पार्ट। एलन वाला पार्ट का गेम प्ले काफ़ी सिमिलर है सागा वाले पार्ट से, तो आप बात करते हो लोगों से, इंटरेक्ट करते हो, आप भी क्लूज कलेक्ट कर रहे हो, आप भी एविडेंस कलेक्ट कर रहे हो, बट इन अ डिफरेंट वे। आप भी लोगों से वैसे ही लड़ रहे हो जैसे सागा लड़ रही थी, बट इन अ डिफरेंट वे, थोड़ा सा होता है बट सिमिलैरिटीज वही है, आपको कुछ ज़्यादा डिफरेंट फील नहीं होगा, बट हाँ एक एलन वाली फील अलग आएगी और एक सागा वाली फील अलग आएगी। एलन वेक बिल्कुल डिफरेंट बनाया डेव्स ने, डेव्स ने प्रीवियसली, रेमेडी ने प्रीवियसली जितने भी गेम बनाया है उनमें अगर आप एलन वेक 2 को देखोगे तो टोटली डिफरेंट गेम है, फ्रॉम द स्टोरी टू द मैप टू द करेक्टर डिज़ाइन टू द एक्सप्लोरेशन सिस्टम टू द पजल सिस्टम टू इंटरेक्टिंग विद द थिंग्स कॉम्बैट एंड एवरीथिंग। मतलब पूरा गेम में आप कोई भी एक्सपेक्ट उठा के देख लो, एलन वेक 2 एक टोटली डिफरेंट गेम है जो कि रेमेडी ने पहले कभी भी काम किया होगा किसी गेम के साथ। रेजिडेंट ईविल 2 और एलन वेक, रेजिडेंट ईविल इन जनरल एंड एलन वेक 2 में कुछ कुछ सिमिलैरिटीज़ है, जैसे कॉम्बैट स्टाइल थोड़ा सा सिमिलर है, जैसे कैमरा एंगल्स हैं, कैमरा एंगल्स काफ़ी सिमिलर लग रहे हैं जो हमें रेजिडेंट ईविल में देखने के लिए मिलते हैं, एंड देन दैट स्नैपी गन प्ले जो हमें रेजिडेंट ईविल में देखने के मिलता है एकदम बूम बूम करके, वो एलन वेक 2 में थोड़ा सिमिलर लग रहा है। ये इतना ज़्यादा डिटेक्टिव पार्ट पे फोकस है कि आप बाद में भी अपने यू नो घर में बैठ के, कमरे में बैठ के सारे एविडेंस और क्लूज को रिवाइज कर सकते हो, चेक कर सकते हो, जितने भी लोगों से आपने थ्रू आउट द स्टोरी अभी तक बात करी है वो भी आप दोबारा सुन सकते हो बैठ के इन अ होलोग्राफिक वे। उस सिस्टम को कुछ बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा, इन अ होलोग्राफिक वे तुम वहाँ पे बैठ के बात कर सकते हो, मतलब बात नहीं कर सकते आप, वो कॉन्वर्जेशन दोबारा सुन सकते हो, एंड जितने भी क्लूज एविडेंस आपने कलेक्ट करे वो आप दोबारा रीचेक कर सकते हो। जैसे हम देखते हैं ना डिटेक्टिव सीरीज या मूवीज में, डिटेक्टिव जो होता है वो एक पूरा वॉल होती है, उसमें वो चिट्स लगा लगा के, फोटोज लगा लगा के फिर उन्हें कनेक्ट करता है एक दूसरे से। यही सेम चीज़ आप सागा के साथ भी करने वाले हो, जहाँ पे आपको वो एक पजल काइंड ऑफ होगा, वहाँ पे आपको सही जगह पे सही एविडेंस लगा के, क्लू लगा के वो प्लेस करने एंड कनेक्ट करने, जैसे ही वो सही कनेक्ट हो जाएगा तो वो गेम आपको बताएगा कि यू मेड अ प्रोग्रेस, वहीं से आप केस सॉल्व करोगे और स्टोरी को भी प्रोग्रेस करोगे। ये इतना ज़्यादा हाईली डिटेक्टिव पार्ट पे फोकस। जो पजल वाला पार्ट मैंने बताया उसको यूज़ करके वो रिवॉर्ड्स लेती है एंड अपने आप को भी वो लेवल अप करती है। पजल्स की डिफ़िकल्टी डिपेंड होगी जो पज़ल के अंदर रिवॉर्ड होगा, अगर रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा हाई टीयर का होगा तो वो पज़ल भी उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पज़ल था जो प्रोटेक्टेड था एक सिंपल मेमोरी मिनी गेम से, मतलब उसमें आपको अपनी मेमोरी यूज़ करनी थी, जो भी अभी आपने थ्रू आउट द स्टोरी किया है उस मेमोरी को यूज़ करके आपको वो पज़ल सॉल्व करना था, काफ़ी डिफ़िकल्ट था, बट अगर आपकी मेमोरी अच्छी है, अगर आपने स्टोरी अच्छी तरह करी है तो वो आपको बहुत सिंपल लगेगा। एंड उस पज़ल के अंदर एक क्रोज बो थी, क्रोज बो जो
इस गेम की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन है, वन शॉट हेड शॉट आप मार सकते हो उस वेपन से किसी भी एनिमी को, एंड काफ़ी अच्छा वो वेपन है इस गेम का, वो आप ले सकते हो जस्ट बाय डूइंग द पजल, नथिंग एल्स। बट वो पजल की डिफिकल्टी डेफिनेटली ज़्यादा होगी क्योंकि उसके अंदर रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा हाई टियर है। इसी साल आ रहा है 17 अक्टूबर 2023 को फॉर PS5, Xbox X, S एंड PC के लिए। नो लिनक्स, नो मैक्स, नो ओल्डर वर्जन ऑफ Xbox एंड PlayStation। प्राइसिंग की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग है। एलन वेक 2 आपको कॉन्सोल पे मिलेगा $50, $60 का मिलेगा कॉन्सोल पे, PC पे मिलेगा $50 का। अगर इंडिया की स्पेसिफिकली बात करूँ तो PC के प्राइस बता सकता हूँ मैं, मुझे PlayStation या Xbox से नहीं पता। PC में इंडिया में आपको ये बेस एडिशन मिलेगा 2748 का और डीलक्स एडिशन मिलेगा 3847 का। डीलक्स एडिशन में आपको एक एक्सपेंशन पास मिलेगा और एक्सक्लूसिव कॉस्मेटिक कॉन्टेंट मिलेंगे, यही मेंशन्ड है। अगर आप इस गेम को प्री ऑर्डर करते हो तो आपको एक रिवॉल्वर स्किन मिलेगी एलन के लिए, एक सर्वाइवल रिसोर्स पैक मिलेगा सागा के लिए, और एक स्वेटर मिलेगा, कोई डियर डाइनर स्वेटर मिलेगा। तो ये तीन चीज़ें मिलेगी अगर आप अभी इसको प्री ऑर्डर करते हो। कर ही दो यार, ले लो ये तीन चीज़ें, अगर आपको गेम खेलना ही है तो प्री ऑर्डर मार दो। गेम का प्राइस बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेटिव है, 2700 में तो सोचने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है जितने भी अच्छे AAA स्टोरी गेम है या कोई भी अच्छा स्टोरी गेम है पे, और एलन विवेक तो बहुत अच्छी फ्रेंचाइजी है, बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी है। आई डोंट नो हाउ इन्होंने इतना ज़्यादा कॉम्पिटेटिव प्राइस रखा है। तो 2700 में गेम आ रहा है तो ऑलरेडी मैं तो बोलूँगा ले लो, कोई हेजिटेशन नहीं है। स्टिल अगर आपको लग रहा है कि 2700 ज़्यादा प्राइस है तो एपिक पे ये गेम आ रहा है, एपिक सेल लगाता रहता है, डेफिनेटली महीने या 2 महीने के अंदर ये सेल लगा देंगे और ये आपको सस्ता मिल जाएगा। हेलोवीन भी आ रहा है अभी, फिर क्रिसमस भी आएगा, डेफिनेटली सेल तो लगने वाली है। ओके दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, आई थिंक आई कवर्ड द ऑल द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स जो कि आपको जानने ज़रूरी है बिफोर बाइंग अ गेम। सो मेरा कंक्लूजन यही है कि गेम खरीदा जा सकता है, प्राइस कॉम्पिटेटिव है, तो येस यू कैन परचेज द गेम डेफिनेटली। तो गाइस यही तक की थी वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दे यार, कोई भी अपना ओपिनियन शेयर करना कमेंट में कर सकते हो। आप बताओ यार कि आपको कैसा लग रहा है कि गेम कैसा होने वाला है, और आपको एलन वेक 1 कितना अच्छा लगा था, और आपने कैसे और कहाँ पर खेला था। एंड गाइस जाते जाते एक छोटा सा काम करना है आपको, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, सब्सक्राइब कर दो यार। एंड इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल दिन बाय बाय, टेक केयर।